मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। ये है स्टोरी प्रॉब्लम। एक स्टोरी होगी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अ चेयर हैज 4 लेग्स, हाउ मेनी लेग्स डू 9 चेयर। एक चेयर में 4 लेग्स हैं तो 9 चेयर्स में कितने होंगे? तो 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, तो लिखेंगे 36 लेग्स। बस इतना। देयर आर 6 स्विम इन अ पार्क, 6 झूले हैं एक पार्क में। देयर आर 2 चिल्ड्रन ऑन ईच स्विंग, हर स्विंग पे 2 बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हैं? तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 जा 12, तो लिखेंगे 12 चिल्ड्रन। क्या देखो, ईच चाइल्ड हैज 2 फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स डू 9 चाइल्ड हैव। एक बच्चे के पास 2 फ्लावर हैं तो 9 बच्चों के पास कितने होंगे? 9 2 जा 18, तो लिखेंगे 18 फ्लावर्स। हो गया। देयर आर 3 सी सॉ इन अ पार्क, देयर आर 4 चिल्ड्रन इन ईच सी सॉ। तो कितने चिल्ड्रन हैं? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, तो लिखेंगे 12 चिल्ड्रन। हो गया। अब देखो अगला, देयर आर 5 चिल्ड्रन, ईच चिल्ड्रन हैज 6 स्वीट्स, हर के पास 6 स्वीट्स हैं। हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर इन ऑल? तो 6 5 जा 30, तो लिखेंगे 30 स्वीट्स। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इजी था। अगर छूट गया हो तो कैसे करना है, वीडियो पॉज करना है और लिख लेना है ना। अब देखो एक्सरसाइज 7.6, ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है बेटा। देखो जैसे ये किया गया है, 4 2 जा 8, एक बार इसको इससे करना है, फिर एक बार इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर एक बार इसको कर लेंगे इससे, 2 3 जा 6, 64 आंसर हो गया। हो गया। अब देखो 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 66 आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है? देखो बहुत इजी है ना, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66 हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 1 जा 4, और ये 4 2 जा 8, 84 हो गया। अब देखो किसी भी नंबर, मैंने बताया था ना, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 1 0 जा 0। देखो किसी भी चीज़ के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 आता है। देखो मैं एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। एक बार हिस्ट्री टीचर और मैथ्स टीचर में लड़ाई हो गई है ना। तो हिस्ट्री टीचर ने बोला कि मैं ढेर सारे अंग्रेज़ों को बुला लूँगी और साथ में मुगल की सेना को बुला लूँगी, तो तुमको मरवाऊँगी, तुमको पिटवाऊँगी। तो मैथ की टीचर ने बोला मैं सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। और जब 0 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो सब चीज़ों को 0 कर देता है मल्टीप्लाई के अंदर, प्लस के अंदर नहीं होता। लेकिन 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में आता है तो उसको 0 कर देता है। 1 0 का 0, 1 5 जा 5, 50 हो गया। 2 3 जा 6, अब 2 का टेबल फिर 6 तक पढ़ो, 2 1 जा 2 का टेबल 3 तक पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। अब देखो ये तो इजी है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको बुक में ही करने हैं, है ना। इधर वाले भी क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं। कितना इजी था। अब देखो यहाँ पर 4, अगर एक चेयर में 4 लेग्स हैं तो 3 चेयर में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 9 चेयर्स में, है ना, या तो प्लस करते 4 टाइम्स 9 टाइम्स 4 4, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ये सिम ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स को स्टोरी प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, है ना। और ये आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बेटा इसके आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय।